अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन नगेट्स की बहुत ही यम्मी और डिलीशियस रेसिपी, जो कि बन जाएगी बहुत ही जल्दी से। सिर्फ आधे घंटे में आपके नगेट्स हो जाएंगे रेडी। यू आर वॉचिंग कुकिंग एंड लाइफस्टाइल विद सोहा। वेलकम टू माई चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत ही झटपट ईजी से बनाऊँगी आपके सामने बहुत ही यम्मी और डिलीशियस नगेट्स की रेसिपी। बच्चे और बड़े सबके फेवरेट हैं, और चाय टाइम में तो ये बेस्ट आइटम है। गेस्ट आ जाएं तब भी आप बना सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कर लेते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे। सबसे कम सॉल्ट, पेपर और लहसुन और अदरक का पेस्ट है हमारे पास, और थोड़ी सी रेड चिलीज हैं पाउडर। उसके अलावा ब्रेड के स्लाइस हैं, एक अंडा है हमारे पास, सॉसेस हैं सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका है। उसके अलावा हमारे पास चिकन है, 250 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। चिकन और हमने ब्रेड स्लाइस का बना लिया है, बिल्कुल ही बारीक सा मिक्सचर, यानी कि हमने इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। और इसमें अब हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल का, ताकि ये अच्छे सॉफ्ट से बने। तो हमने चिकन में एक ब्रेड का स्लाइस डाल के और ऑयल डाल लिया है, और अब जो है हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल रहे हैं, जो ब्लैक पेपर, रेड पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। और उसके बाद हम एक एग को बीट कर लेते हैं। बीट करेंगे अच्छी तरह से। पूरा एग ऐड करना चाहें मिक्सचर के हिसाब से तो आप पूरा अंडा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई कमी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इसमें हाफ एग ऐड कर रही हूँ, तो क्योंकि मेरा जो बैटर है वो थोड़ा है, तो मैं आपको इसलिए आधा अंडा डाल रही हूँ। तो पूरा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें दूध की ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध जो होता है। उसके साथ हमने इसका मिक्सचर कर लिया है रेडी। अब हमारे पास बिल्कुल तैयार हो गया है मिक्सचर। अब हम इसको शेप करेंगे और इसको हम करेंगे फ्राई। 1 चम्मच आप इसमें सोया सॉस का भी ऐड कर लें, चिली सॉस का भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सोया सॉस। उसके बाद मैंने अपने नगेट्स को कर लिया है शेप अप। इसको हमने शेप दे दी है नगेट्स की, बहुत इजी हाथ से आराम से हो जाती है। प्रेस करके इसको अच्छे से थोड़ा सा दरमियान से दबा के इसको शेप दे लिया है। उसके बाद मैं इसको कोटिंग कर रही हूँ अंडे और ब्रेड क्रम की। तो आप इसको डबल कोट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सिंगल कोट ही करूँगी। तो इस पे हमने लगा लिया है पहले से अंडा, और उसके बाद हमने अंडे में भी हमने थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, ताकि हमारी कोटिंग थोड़ी सी मज़े की लगे। इसके बाद हम इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। फ्राई करेंगे दोनों साइड से। जब ये गोल्डन ब्राउन से कलर के हो जाएंगे तो इसकी एक साइड चेंज करेंगे, फिर दूसरी साइड से हम इसको, मैं इसको जो है वो शैलो फ्राई कर रही हूँ। इसको डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं। बस शैलो फ्राई करने में इसको सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, और 2 मिनट 2 मिनट एक एक साइड पर लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा कलर आ गया आपके सामने। सारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं, तो ये इतने से बैटर में मेरे इतने सारे नगेट्स बन चुके हैं। और फ्राइज़ आप इसके साथ खाना चाहें, बच्चों को देना चाहें, जैसे भी आप पसंद करते हैं आप इसको खा सकते हैं। मैंने इसको कट करके दिखाया है, इतना मज़े का सॉफ्ट, बाहर से ये कितना क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है। इसको आप सॉस के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, जैसे आप पसंद करते हैं। किसी डिप के साथ खाना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुए थे, और बहुत ही जल्दी झटपट रेसिपी है। लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।